शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाल, मेरा नाम शंभू है। घबराना नहीं, अब हम आ गए। इन सब सालों की खटिया हम मिलकर खड़ी करते हैं। काबर, तूने मेरे डिपो में आने की हिम्मत कैसे की? अरे जहाज कभी तूफान से पूछता है क्या कि उसने समुंदर में आने की हिम्मत कैसे की? क्योंकि जब तूफान आता है तो तबाही करके ही जाता है। मगर तेरी तबाही का दूसरा नाम है विश्वास नाथ। तूने मेरे अफीम से भरे चार ट्रक पुलिस में पकड़वा दिए और मैंने आज तेरे डिब्बों में घुस के तेरे 10 ट्रक चला दिए। आज के इस इवनिंग न्यूज़पेपर में तेरी बर्बादी की खबर छपी है। अब बोल, तूफान कौन, तू या मैं? कल सवेरे टाइम्स ऑफ इंडिया भी देख लेना, वो होगा जो इंडिया में कभी नहीं हुआ था। दावा, रिवर्स गियर में गाड़ी डाल और निकल जाए यहाँ से। अगर मैंने मेरे आदमियों को आवाज दे दी तो तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। चल जा। वो तेरे नहीं रे, मेरे आदमी है मेरे। क्या? कौन हो तुम लोग? मैं बताता हूँ,
तेरे दिमाग की तरह तेरे ट्रक भी बहुत गंदे हो गए हैं, इसलिए वो धो रहे हैं, लेकिन पानी से नहीं, पेट्रोल से। याद रख जैक, मेरा नाम इंस्पेक्टर महेंद्रनाथ है। मेरे सामने इंसान तो क्या, पत्थर भी अपनी जबान खोल देते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो इंस्पेक्टर, अव्वल तो जैक टूट नहीं सकता, और अगर वाकई तुम्हारे जुल्म ने मुझे तोड़ दिया तो मेरी जुबान खुलने से पहले ही वो लोग मुझे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। नहीं हरामजादे, वो तुझे चाहे जीने न दे, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अगर जैक की जबान खुल गई तो याद रखो हम सब की आवाजें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जैक का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन इंस्पेक्टर महेंद्र नाथ के होते हुए हमारी किसी भी चाल का कामयाब होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो खरीद लो उस इंस्पेक्टर महेंद्रनाथ को। वो बिकता ही नहीं है सर, वो अपने फर्ज और अपनी वर्दी के लिए जान कुर्बान करने के लिए वो तैयार है, ऐसा ऑफिसर है। बहुत खूब, बहुत खूब। उस इंस्पेक्टर की तारीफ सुनकर हम बहुत खुश हुए। पुलिस में अगर ऐसे लोग ना हो तो टकराने का मजा ही नहीं आता। वो तो ठीक है सर, लेकिन इस वक्त जैक का क्या करने का? अभी बहुत से कार्ड हमारी जेब में है। तुम्हारा ये इंस्पेक्टर महेंद्र नाथ जैक को तो छोड़ ही देगा, बल्कि यूं कहो कि जैसा हम चाहेंगे वैसा ही करेगा। वो कैसे? हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, बस उस कमजोरी को पकड़ लो। वो टूटेगा ही नहीं बल्कि बिखर जाएगा। Thank you.
माँ के लाल, मेरा नाम शंभू है। घबराना नहीं, अब हम आ गए। इन सब सालों की खटिया हम मिलकर खड़ी करते हैं। अगर आज तुम नहीं होते। माँ के लाल, मेरी एक बात याद रखना, मरने वाला चाहे अपने आप को लोहे की दीवारों में भी बंद कर ले, बच नहीं सकता। और जीने वाला चाहे लाखों गोलियों की बौछार से गुजर जाए, मर नहीं सकता। कौन थे ये लोग? पिताजी, आपसे दुश्मनी रखने वाले मुजरिमों ने आज मुझ पर जानलेवा हमला किया है, मेरी जान लेने की कोशिश की है। क्या तुझ पर हमला किया? अरे भगवान, पुलिस ऑफिसर का बेटा है, मुजरिम तो टकराएंगे ही। पिताजी, आप वर्दी वालों का तलूक ही ऐसा होता है जो मुजरिमों के दिल में नफरत और बदले की आग भर देता है। नहीं बेटे, ये मुजरिम गुनाह और पाप की छांव में पलकर सिर्फ जुर्म करना पसंद करते हैं। और आप लोगों ने कड़ी से कड़ी सजा देकर जानवरों की तरह उन पर कानून का इस्तेमाल करना चाहते हो, चाहे फिर वो मुजरिम जेल से निकलकर चोरी से डकैती, डकैती से खून पर क्यों ना उतर आए। बेटे, तू अपने पिताजी को समझा रहा है? नहीं माँ, मैं तो अपनी आप पीती सुना रहा हूँ। आज अगर एक भोला भाला शरीफ ट्रक ड्राइवर मुझे नहीं बचाता तो इस वक्त यहाँ मेरा शरीर नहीं, मेरी लाश होती। खामोश, जो बेहुदा बकवास की तो। कानून कानून है, सजा बनी है मुजरिम के लिए, जो जुर्म करेगा उसे सजा मिलेगी। आज की रात जैक की जबान हमेशा के लिए बंद हो जानी चाहिए, वरना इंस्पेक्टर महेंद्र नाथ। जैक की जबान खुल चुकी है और साथ ही तेरे लिए जेल के दरवाजे भी। महेंद्रनाथ, इंस्पेक्टर महेंद्रनाथ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ आप खुद ही चले आए, हम दोनों आप ही का जिक्र कर रहे थे। कमीनो, मेरे बेटे पे जानलेवा हमला करने वालों, आज तुम लोग मुझसे नहीं बचोगे। क्यों इंस्पेक्टर, अखा पुलिस फोर्स लेके आया है क्या? अकेला आया हूँ और तुम लोगों को साथ लेकर जाऊंगा। हाँ ले जाओ, चलो। अरे चल, मोहब्बत और जंग में सब जायज है इंस्पेक्टर महेंद्रनाथ। एक एक महेंद्रनाथ के मरने से कानून नहीं मरा। जी बेटा, महेंद्रनाथ सिर्फ तुम्हारा पिता ही नहीं, मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसकी कमी शायद कभी पूरी ना हो सके, इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया है कि इंस्पेक्टर महेंद्रनाथ की जगह तुम्हें बहाल किया जाए। प्लीज अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, आपका कानून जुर्म की जगह मुजरिम को खत्म करने की कोशिश करता है और नतीजा ये होता है कि जुर्म वही का वही रह जाता है। आप लोग कभी ये क्यों नहीं सोचते कि जुर्म को ही जड़ से मिटाया जाए? विजय बेटे, मैं तुम्हारे सोचने के तरीके की कदर करता हूँ और इसके लिए मेरा मशवरा यह है कि तुम जेल डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, वहां पर तुम्हें संगीन से संगीन मुजरिम मिलेंगे और उन्हें सुधारने का मौका भी मिलेगा। अगर ऐसी बात है सर, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जेल से निकला हुआ हर मुजरिम पाप और गुनाह के रास्ते से हमेशा के लिए तौबा कर ले और इस तरह मैं अपने देश से जुर्म का नाम और निशान मिटा सकूं। हाय और सलाम इंस्पेक्टर साहब,
आओ हमारी भी ईमानदारी की जांच कर लो आप। अरे शंभू भैया, सलाम के साथ सुबह सुबह जूता क्यों मारते भाई? तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई की तो जमाना कसमें खाता है। अरे ये तो जमाने का बड़प्पन है साहब। शंभू भैया एक वादा करो हमसे। क्या साहब? तुम जब कभी भी मुझे ड्यूटी पर देखोगे बेधड़क ट्रक रोके बगैर गुजर जाओगे। चलो साहब ये भी वादा रहा। रामदीन गेट खोलो। जी साहब। हेलो उस्ताद। जल्दी पकड़ा बे। स्टैचू हिलना मत नहीं तो मेरे 10 पॉइंट हो जाएंगे। माँ रॉकेट की तरह सड़क पे चलने वाले को देखो मैंने कैसे ब्रेक लगा दी। हिलना मत। अरे गुड्डी तेरा बचपन चला गया पर बचपना नहीं गया। हाँ माँ बिल्कुल ठीक कहा। देखो ना इस शरारती गुड़िया को, एक तो इसके लिए इतना सारा सामान लेके आ रहा हूँ और ऊपर से ये जो है मुझे। अरे भैया पहले क्यों नहीं कहा? चलो माफ कर दिया। माफ कर दिया। भैया को यही रोके रखेगी, अंदर आने को भी कहेगी। हाँ माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खा। एक बात तो है, बाहर कितना भी खाना खाओ पेट ही नहीं भरता है। माँ तुम्हारे हाथ में जरूर कोई जादू है, नहीं मामा? बिल्कुल ठीक कहता है तू। अरे इस खाने के लालच में ही तो हर दूसरे तीसरे रोज यहाँ चला आता हूँ। अरे जिस काम से आया था वो तो बिल्कुल ही बातों बातों में भूल गया। बेटे तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि राम प्रसाद जी ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया है, उन्हें हमारी गुड्डी बहुत पसंद है। अभी से शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मामा देखो गुड़िया शर्मा के भाग गई, मुझको इसी दिन का इंतजार था। मामा शंभू अपनी बहन के लिए आसमान से तारे भी तोड़ के ले आएगा। ए गुड़िया रो रही है तू पगली? आज तो खुश होने का दिन है, बरसों से जो सपना मैं देख रहा था उसका पूरा होने का वक्त आ गया। तुम्हारे जैसा मेहनती और ईमानदार आदमी मैंने तो आज तक नहीं देखा। अब तो ऐसा लगता है अगर ये शंभू नहीं होगा तो शायद विश्वराज की ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद हो जाए। अरे नहीं माँ के लाल, किसी के होने नहीं होने से किसी का काम थोड़ी रुक जाता है। वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारा भी कमाल है भाई, एक फेरा छोड़ के आते हो और दूसरा लगाने के लिए तैयार। तुम तो जानते हो माँ के लाल, शंभू की जिंदगी का सपना बस उसकी बहन की शादी है, काम नहीं करूंगा तो ये सब कैसे होगा। अब बातें छोड़ो माँ के लाल, जल्दी से ट्रक लोड करवा दो, मुझे आज अपनी बहन की शादी के लिए सामान खरीदना है। अच्छा भाई जैसा तुम चाहो। चलो पीछे के गोडाउन का माल शंभू की गाड़ी में लाद दो। तुम तो जानते हो माल बहुत कीमती है, मुझे सिर्फ शंभू पर भरोसा है। अच्छा है मगर इतना छोटा सा टीका मैं अपनी बहन के माथे पर नहीं सजाऊंगा, कोई अच्छा सा बढ़िया दिखाओ ना। अय शाबाश ये हुई ना बात, ये टीका मेरी बहन के माथे पर खूब सजेगा।
जबां तेरी दुहाई कैसी रीत बनाई सभी पलकों से टूटे आज सितारे डोली उठेगी आज तेरे बहना छलकेंगे आए मैं हमारे ओ भैया चुप चुप रोए मैया चुप चुप रोए आंसू बहते हैं जैसे नदिया के नाले डोली उठेगी आज तेरी बहना सबको अपना बनाना सबसे प्यार निभाना ऐसे रहना के है कोई आरती उतारे डोली उठेगी आज तेरी बहना छलकेंगे हाय मेरे हमारे ओ भैया चुप चुप रोए मैया चुप चुप नदिया के नाले डोली उठेगी आज तेरी बहना इंस्पेक्टर साहब आपने ही तो कहा था कि जब आप ड्यूटी पे हो तो बेधड़क ट्रक लेकर गुजर जाना और आज आपने खुद ही ये लकड़ा गिरा के अपना वादा तोड़ दिया सब खैरियत तो है ना राजू भाई ये ट्रक तुम चला रहे हो क्या मतलब हमें खबर मिली है इस ट्रक में स्मगलिंग का माल है मगर नहीं शंभू तुम जाओ शायद किसी ने मजाक किया है नहीं इंस्पेक्टर साहब आप अपने शायद को यकीन में बदल दीजिए मेरे ट्रक की तलाशी ले लीजिए चलो ठीक है तुम कहते हो तो ले लेते तलाशी अरे भाई आज शंभू के ट्रक की भी तलाशी ले लो भाई चलो तब तक एक एक कप चाय हो जाए
चलो साहब चलो चलो इस तक की तलाशी लो। साहब इसे गैर कानूनी माल है। शंभू आई एम सॉरी यू आर अंडर अरेस्ट। पेट्रोल तो छिड़क दिया है हमने, सिर्फ माचिस की कांडी फेंकने की देर है। क्या मतलब? अरे आग से खेलने वाले लोग हैं हम, आग ही की तो बात करेंगे। शंभू को अंदर करवाया हमने, छुड़वाएंगे भी हम ही, और जब वो बाहर आएगा उसके मस्तक में एक ही नाम होगा, विशराज नाथ। शंभू तुम्हारी जमानत हो गई है। मामा, कानून की नजरों में गुनहगार कहलाए जाने वाले इंसान पे हवालात से छुड़ाने का एहसान किसने किया? बेटे था कोई अनजान फरिश्ता जो जमानत देकर चला गया। शंभू कहां जा रहा है तू? जिनका नमक खाकर नमक हलाली का हक अदा करता रहा उनसे नमक हरामी की वजह पूछने जा रहा हूं। शंभू पकड़ा गया, विश्वास तो नहीं? अब हमारे गैर कानूनी धंधे में शंभू जैसों की बलि तो चढ़ती रहती है। कानून की नजरों में अपनी ईमानदारी के साथ आज से शंभू हमारी वफादारी भी खो चुका। शंभू की नजरों में तूने शंभू को इतना नीचे गिरा दिया है कि जहां से नीच लोग भी बहुत ऊंचे नजर आते हैं। शंभू हश में आ। अबे ओ मां के लाल, तुझे जन्म देने के बाद तो तेरी मां भी पछताई होगी। सवाल रहा मेरे होश का, वो तो मेरी ईमानदारी के साथ कब का मर चुका है। होश? मैंने ऐसा क्या किया है? पसीना बहाकर मेहनत से कमाई जाने वाली रोटी के ऊपर गुनाह का छिड़काव किया तूने। इंसानों की तरह जीने वाले शंभू से उसकी इंसानियत छीनी है तूने। याद रखना विश्राज, हजार बुरा आदमी बुराई का रास्ता अख्तियार करे तो इतना खतरनाक है, लेकिन जब एक अच्छा आदमी बुराई का रास्ता अख्तियार करता है ना, तो बुराई का सीना भी कांप उठता है। अब ये शंभू तेरी काली दुनिया में आग लगा कर रख देगा, जिसमें तूने अपने सारे काले कर्म छुपा रखे हैं। क्या बात है कासिम भाई? अरे क्या बात है तुम्हें? माँ,
चली गई भैया, माँ हमें छोड़ के चली गई। बेचारी मारी गई। ये काम किसी और का नहीं है, ये काम विश्राज नाथ का ही है। हेलो, मेरी माँ की मौत का तमाशा तूने मेरी बस्ती में किया था, अब तेरी मौत का तमाशा मैं तेरी इस महफिल में करूंगा। मेरी माँ ने भी टूटती हुई हर सांस पे मेरा नाम इसी तरह पुकारा होगा कमीने। क्या अब तुम गुंडागर्दी भी करने लगे? ये गुंडागर्दी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मेरी ईमानदारी और सच्चाई का ही नहीं बल्कि मेरी माँ का भी कातिल है। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो कमीना राक्षस जो मेरी ईमानदारी के कांधों पर अपना गैर कानूनी माल पास करवाया करता था, और आज इसने मेरी ही कांधों पर मेरी ही माँ की अर्थी का बोझ रख दिया है। शंभू, इनके कातिल होने का तुम्हारे पास सबूत क्या है? सबूत? सबूत मेरी माँ की लाश पे बिखरे अनगिनत खून के कतरे हैं। सबूत मैं हूँ इंस्पेक्टर साहब, सबूत यह है, सबूत तमाम बस्ती है। आइए इंस्पेक्टर साहब, पूछिए, तमाम लोगों से पूछिए, यही है मेरी मां का कातिल, पूछिए पूछिए। तुम लोग बोलते क्यों नहीं, क्यों नहीं बोलते तुम लोग कि यही है विश्राज जिसने मेरी मां का खून किया है? तुम लोग बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो तुम लोग, बोलता क्यों नहीं खून विश्राज ने किया है? इंस्पेक्टर शंभू, ये सब तो खामोश है। लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगा। शंभू, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो। जब जब कानून की किताब कानून वालों के हाथ से छूटती है तब मुल्ज़िम इसी तरह कानून अपने हाथ में लेने में मजबूर हो जाता है, और आज शंभू अपनी मां के कातिल को सजाए मौत देता है। नहीं, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत कर इंस्पेक्टर, एक खून की सजा फांसी है और 100 खून की सजा भी फांसी है। आओ बहन। मामा, मामा दरवाजा खोलो, मामा, मामा। बेटा शंभू, इतनी रात गए, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? शंभू के नसीब पे बदकिस्मती की बिजलियां गिर पड़ी मामा। मां हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई मामा। क्या क्या हुआ मेरी बहन को? इस दुनिया ने ना मुझसे सिर्फ मेरी मां छीनी है बल्कि मुझे कातिल भी बना दिया है। समाज और कानून ने मेरी शराफत और ईमानदारी के ऊपर ऐसा तमाचा मारा है मामा कि शंभू को पूरी दुनिया से नफरत हो गई है। इससे पहले कि पुलिस तुम्हें ढूंढती हुई यहां आ जाए, भाग जा मेरे बच्चे। पुलिस और कानून से तो मुझे बहुत सारे सवाल करने हैं मामा, मैं जा रहा हूं।
आज से गुड्डी के तुम ही सब कुछ हो मामा, इसका ख्याल रखना। भैया कौन तुम? दुश्मनों से बचाने वाला कोई दोस्त ही हो सकता है, मगर इस दोस्ती की वजह? बिना लालच के तो मछेरा भी समंदर में जाल नहीं फेंकता। और हम उस समुंदर के मगरमच्छ हैं। एक तरफ फांसी का फंदा है और दूसरी तरफ सोने का अंडा। अंडा खाना है या फंदा लगाना है? शरीफों की दुनिया में अब तुम्हारे लिए कोई छत नहीं है, मगर हमारी दुनिया में छत भी है, दरवाजा भी है, खिड़की भी है, पलंग बिस्तर कंबल सब मिलेगा। इनकार करोगे तो इधर कार का दरवाजा खुलेगा और उधर जेल का। खाकी वर्दी के मुर्दे अभी तक जी रहा है? क्या बोला बे? क्या बोला? कौन हो तुम? आपके एसी जेल का होने वाला नया डिप्टी जेलर विजय। यस सर। गार्ड्स ले जाओ इसे। विजय, तुम इन काली धारियों की सफेद पोशाक वाली कौम को नहीं जानते। तेरा इनके साथ जरा पुराना रिश्ता है, और जिस तरह एक आदमी अपने घर के कोने कोने को, हर एक सामान को अच्छी तरह से जानता है, मैं इन कैदियों को, इनके दिल दिमाग को, इनके सोचने के अंदाज को अच्छी तरह से समझता हूँ। इनकी रस्सी अगर ढीली छोड़ दी जाए तो इसी रस्सी को हमारे गले में फांसी का फंदा बनाकर पहना दे, और साले खींचने से पहले ये भी ना पूछें कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बास्टर्ड्स। सर, आप उन्हें मुजरिम नहीं, इंसान के रूप में देखकर उनके बारे में सोचिए। कल से तुम इन कैदियों की दुनिया में फर्ज का चोला पहनकर आ रहे हो। तुम भी यहाँ पर हो, मैं भी यहाँ पर हूँ। देखता हूँ तुम कितने कैदियों को सुधारते हो। लेकिन विजय, मेरी तरफ से एक बात याद रखना कि बबूल के दरख्त पर कभी गुलाब के फूल नहीं खिले। ये तो मालिक की हिम्मत की बात है सर कि कौन से बबूल के डाल पर किस कांटे को मिटाकर कौन सा फूल खिला है। जमाना बदल गया है सर। तुम्हारी बातों से गुलाब की खुशबू तो आती है, पर गुलाब नजर नहीं आते। आज अगर खुशबू सूंघी है तो कल गुलाब भी नजर आएंगे। अच्छा, चलो सिंगल लाइन से अंदर आओ। खींचा पैकेट से होशियार, गली गली है पैकेट मार। खबरदार खबरदार। अरे ये दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। अरे तेरा करूं क्या मेरे यार, चल भाई क्यों बचाता है क्या? हट हट जान दे, ठंडी हवा आन दे। ए लाल कमीज किधर आने का है? एक चोर बाजार काट। चोर बाजार का काटू? चोर बाजार क्या दिख रहे लाए? ले संभाल, अपन चिंदी बाजार का है, बस के अंदर धतिक नहीं मांगता है। ए बोलो सेठ, किधर जाने का है, किधर का काटू? तेरे पीछे मेरी नखरे वाली बीवी बैठी है, उसे पूछ। अरे बाप रे, क्या जमाना आ गया। अरे हैदराबाद वालो, नवाब साहब का टिकट लेने के लिए बेगम साहिबा से पूछना पड़ेगा कि टिकट किधर का काटू। बेगम साहिबा, आधा बरस करता हूँ, किधर का टिकट काटू बोला? एक टिकट नाक पड़ा। सवारी डबल और टिकट सिंगल, एक हंगल, ये कैसा दंगल? क्या मतलब है आपका? मतलब ऐसा है कि आपके शौहर साहब खड़े हैं ना, उनका टिकट आप लेंगी ना बेगम साहिबा? शौहर? हाँ। मेरी तो अभी तक मंगनी भी नहीं हुई, आप शादी तक पहुंच गए? अरे बेगम साहिबा, कसम आपकी खूबसूरती की, अरे हैदराबाद की खूबसूरती आपके चेहरे से टपक रही टपाटप, जुल्फों से चार मीनार झांक रहे झकाझक। अरे नवाब साहब की एक टिकट का सवाल है, ले डालो। अरे मियां बीवी का झगड़ा होता मालूम है? मेरी बीवी हैदराबाद की लंबाड़न है, झाड़ू चुप रहता है। इसके नखरे सुने कंडक्टर साहब, एक तो सारा पगार अपनी जेब में डालती है, उसके ऊपर ना ही बस का टिकट निकालती है और ना ही हमें पहचानती है। अरे बहुत गुस्से वाली है, कोलसे की भट्टी में पैदा हुई थी क्या? ये तो उसके बाप को पूछना पड़ेगा। अरे इसका बाप भी है क्या? क्या बोला? अरे हाँ हाँ, क्या बे, अब मैं नहीं बोलूंगा, घंटी बोलेगी। अरे बार बार घंटी क्यों बोल रही है? अरे कपड़े ऐसे पहने हैं कि घंटियां बज रही है, बस चले जाने। अरे बस की घंटियां नहीं बजेंगी तो क्या मंदिर में घंटी बजेंगी? छोड़ दो,
पुलिस वाले के जेब में हाथ डाल दिया, सीधी तरह बटवा निकाल दिया, दो एक फट गया। अबे अबे रोक, लाला पकड़ूंगा, इतना मारूंगा तुझे। बाप रे, ये पटनी थी कि बटाटे वड़े की चटनी थी, सड़क पे उतरते ही गायब। ए चल जाने रे, अंदर के क्या हुई के? Thank you.
बेटी क्या बात है? माँ, अगर आज पिताजी होते ना तो कितने फखर से अपने बेटे को छाती से लगा लेते। मगर उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी क्योंकि उनका बेटा भी पुलिस वाला बन गया है। बस माँ, अब तो मेरे जिंदगी की गाड़ी के सिर्फ दो ही पहिए हैं, एक मेरी नौकरी और एक तेरी सेवा। सेवा बेटा नहीं, घर में आने वाली बहू करती है। अरे माँ, ये क्या जरूरी है कि सेवा बहू ही करे? अरे ये बहुओं का कोई भरोसा नहीं है, आजकल की बहुओं का हिसाब तो कलिंगड़ की तरह है। कलिंगड़ की तरह? हाँ हाँ, जो कटने के बाद पता चलता है कि अच्छा है या बुरा है, और फिर कलिंगड़ को तो आदमी फेंक भी सकता है। सात फेरों के बाद अपनी बीवी को कहाँ फेंकेगा? क्या कहा? साहब, कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया। हाँ मैं आता हूँ। देखा माँ, बहू का नाम लेते ही पुलिस स्टेशन से बुलावा आ गया। अगर बहू घर में आ गई तो ना जाने कहाँ कहाँ से बुलावा आएगा। विजय, Do you know what have you done? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मगर सर, हुआ क्या? कल तक मुझे तुम पे फक्र था, लेकिन आज मैं... लेकिन सर, मेरा कसूर क्या है? एक भोली भाली लड़की की जिंदगी से खेला है तुमने। लड़की? हाँ लड़की, हवलदार। अरे जल्दी कॉल ना। तुम? अयो जी, हम तुम्हारा प्यार का टम टम। ये तुम्हारा बड़ा बेटा चिन्नप्पा मोरगम, ये छोटा चेतन चिन्नप्पा गोरगम, और हम तुम्हारा धर्म पत्नी मलिया की वड़िकम। थम थम, सर मैं सच कहता हूँ, मेरे इस लड़की से कोई ताल्लुकात नहीं। ए, ये क्या तू कड़कम कड़कम कर रही है? अयो रामा रे, अब हम तुम्हारा ये दो चपेला कैलेंडर को गले में लटका कर किधर जाएंगा रे? विजय, अगर तुमसे गलती हुई है तो तुम्हें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। सर मुझसे कोई गलती नहीं हुई है सर। अयो, ये तुम्हारा गलती नहीं तो किसका गलती है? हमारा बाजू वाले का क्या? सर पूछे क्या सबूत है इसके पास? अरे पंडित जी, आना जी, अरे बोलना जी, टेकड़ी वाले मंदिर में हमारे गले में कौन मंगलसूत्र डाला जी? कमिश्नर साहब, यही वो पापी प्राणी है। सर ये झूठ बोल रहा है सर। विजय, तुम इसे लेके घर जाओ और माँ को सारा किस्सा सुनाकर और उसके बाद। नहीं कमिश्नर साहब, ये घर में हमको मारेगा, हमारा चिन्नप्पा मोरगम को भी मारेगा और छोटा चेतन को भी मारेगा। हमको नहीं रहना ऐसा मर्द के साथ। आम पालेगा अपना बच्चा लोग को मदर इंडिया का माफिक, मगर हमारा बच्चा लोग का स्कूल का खर्चा, दवा का खर्चा, पानी कपड़े का खर्चा, इसको हर महीने देने को बोलो। और जब तक आम जिंदा है ये शादी नहीं बना सकता, क्यों पंडित जी? हाँ जी। हाँ सर। देखो विजय, बात को आगे मत बढ़ाओ, तुम इसे खर्चे के लिए 500 रुपए महीना दोगे। 500 रुपया महीना? कहाँ पहुँचाना पड़ेगा सर? अपनी इस पत्नी के घर। अच्छा, ये ले तेरे 5 रुपए, ये तेरे 5 रुपए। आज की एक्टिंग बहुत फर्स्ट क्लास थी, हाँ मजा आ गया। फर्स्ट क्लास काम किया, अब तो मुर्गी खिलाना। आज कुल्फी खा ले, कल मुर्गी खिला दूंगी। अम्मा। ए, कौन है रे तू? हम त्रिचन्ना पल्लिका चिन्ना पापा मोर का पम और चाट चैतन चिन्ना पापा गुर्दा पम का बाप चिन्ना पापा सुब्रमण्यम। अबे टकले, कौन है तू? अय्या, हमारा शादी हुआ जी, हम हमारा औरत को पुलिस स्टेशन में मिला जी, हम हमारा औरत को पहचाना नहीं जी,
तो हमारा औरत में हमारा दो छोटा छोटा बच्चा मुर्गप्पम और छोटा चेतन गुर्दप्पम को दिखा के हमको हमारा शादी याद दिलाया, तो हमको हमारा सुहागरात याद आया, तो हम आया। तो तुम हो? अयो मेरा पत्नी। ए, हमको पत्नी नहीं बोलने का। अम्मा, तुम हमको पुलिस कमिश्नर के सामने कितना बार पति पति करके बुलाया, हम कुछ बोला क्या? हमारा इज्जत का बाजी पाला किया, हम कुछ बोला क्या? अरे इतना लेपड़ा किया, हम कुछ बोला क्या? अरे महीना का 500 रुपया पक्का किया, हम कुछ बोला क्या? तो अबे तुम भी कुछ नहीं बोलेगा? हम क्या करता है, हम चिन्नप्पा मोरगप्पम और छोटे चेतन चिन्नप्पा गोर्दप्पम के बाद स्वीट बेबी चिन्नप्पा चंकी पम का नंबर लगाता है, तो आओ ना। छोटे तो चिल्लाऊंगी। अयो चिल्लाओ जी, कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज हम मोहल्ले वाला को समझा के रखा कि आज हमारा हनीमून स्वागत है, बहुत चिल्लम चिल्ली होगा, आने का नहीं। देखो प्लीज, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अयो हम भी ऐसा लड़का नहीं है जी। मुझसे गलती हो गई। अब गलती हम करेगा। तुम क्या करोगे? कोई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम्हें आज छोड़ दिया, लेकिन कल से तुम भी ये धंधा छोड़ दोगी, समझे? क्या करूं साहब, रोटी कमाने के लिए ये सब करना ही पड़ता है, बचपन से बेसारा और अनाथ हूं ना साहब। आप जैसे इंसान का अगर हाथ मिल जाता तो ये हाथ चोरी के लिए कभी नहीं उठते। सच सच। टोनी, मौजूदा हालात ने हमें बहुत परेशान कर दिया है, इस बार माल सही वक्त पे नहीं पहुंचाना तो हम दो कौड़ी के हो जाएंगे। शंभू के होते हुए उसके दोस्तों की इज्जत की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। मां के ना, बोलो बात क्या है? हमें तुम्हारी दोस्ती पर नाज है शंभू, लेकिन हम परेशान इसलिए है कि हमारा 5 करोड़ का माल वाशी के गोदाम में पड़ा हुआ है और पुलिस की सख्ती इतनी बढ़ गई है कि वहां से माल निकालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है, और कल किसी भी हालत में हमें उस माल की डिलीवरी देनी है। माल की डिलीवरी कल ही होगी मां के लाल, तुमने शंभू को मुसीबत के वक्त सहारा देकर अपनी दोस्ती का सबूत दिया है। शंभू और माल अपनी जान पे खेल के भी कल वहां से निकाल कर अपनी दोस्ती का हक अदा करेगा। शंभू वाह, तुमने अपनी अकल से कानून के मुंह पर इतनी जोर से तमाचा मारा है कि कानून वो तमाचे का निशान कभी नहीं भूलेगा। वाह वाह वाह, हमें तो ऐसा लगा
कि हमारी एम्पायर को संभालने के लिए हमें दो मजबूत हाथ मिल गए। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया माकेलाल, ये तो शंभू के कानून से इंतकाम की शुरुआत थी, क्योंकि इसी कानून ने ईमानदार शंभू से उसकी शराफत की दौलत छीन ली। अरे दौलत के तो हम ढेर लगा देंगे शंभू। आओ 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 इधर, ये हमारी दोस्ती का छोटा सा तोहफा है शंभू। शादी तो हो जाएगी बेटे, लेकिन कन्यादान कौन करेगा? बाप के बाद बेटी के लिए, उसका बड़ा भाई ही पिता समान होता है मामा। मगर जिस रास्ते पर तुम दौड़ रहे हो वो अपनी बहन का कन्यादान करने से पहले ये भाई नहीं मरेगा मामा। बेटे अगर पुलिस तुम्हारी तलाश में यहां आ गई और उन्हें पता चल गया तो? नहीं मामा, पुलिस को मुजरिम की तलाश है, भाई की नहीं। और फिर शंभू ने इतने सारे रूप बदले हैं कि कभी कभी खुद को भी पहचानने में धोखा खा जाता है। Hey!
शंभू हर दर्द को सह के जीता है। तो फिर कहो ना, ऐसा कौन सा दर्द है तुम्हें जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं? अपने आप से किया हुआ एक वादा है, जब तक अपनी बहन की मांग नहीं सजा देता तब तक तुम्हारी कोई मांग पूरी नहीं कर सकता, और ना ही अपनी। शंभू, अपने जवाने के कुछ शोले हम पर भी बरसा दो। अरे आज मैं इस मलाई पे जबान फेर के ही छोड़ूंगा। तेरी हवस का निशाना इसकी इज्जत थी, मेरी अगली गोली का निशाना तेरी खोपड़ी है। नहीं, हमारी दुनिया में इतनी छोटी मोटी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं देते। जीने दो उसे, जीने दो। आजा आजा मेरे प्यारे मगरमच्छ, पानी के राजा, बाहर आजा। हेलो, पुलिस स्टेशन। विस्की विद सोडा। ऑफिसर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज की ये मीटिंग खतरनाक गुनहगार शंभू के लिए बुलाई गई है, जिसे आज तक ना तो कोई जेल रोक सकी है और ना ही कोई जेलर। सर, ये शंभू कानून इतनी बार तोड़ चुका है कि जनता का पुलिस वालों से भरोसा उठता जा रहा है। किसी भी जेल में ये शख्स 7 दिन से ज्यादा नहीं टिकता। तो क्या आप लोगों में कोई ऐसा जेलर नहीं जो उसे रोक सके? सर, मेरी एक दरख्वास्त है। Yes? कि इस बार इस दहशत पसंद मुजरिम को मेरी जेल में भेजा जाए। तुम शायद शंभू को नहीं जानते, लेकिन कानून की ताकत और अपने आप को जानता हूँ, और वादा करता हूँ सर कि जेल तोड़ना तो दूर की बात है, शंभू इस पाप की दुनिया को ही छोड़ देगा जिसके लिए वो बार बार कानून से टकराता रहा। आई प्रॉमिस। We'll be right back.
अरे शंभू आ गया, शंभू आ गया। मतलब इस जेल में आंधी से टकराने तूफान आ गया। कौन आंधी कौन तूफान? शंभू जुर्म की आंधी और जेलर विजय कानून का तूफान। उसकी बेड़ियां। जानते हो तुम क्या कह रहे हो विजय? ये वो मुजरिम है जो बेड़ियां तो क्या, जेल की दीवारें भी तोड़ देता है। यस सर, मैं जानता हूं, लेकिन आप एक बात भूल रहे हो सर, कि इस मुजरिम को यहां मेरे जिम्मेदारी पर भेजा गया, और अब ये बेड़ियां तोड़े या जेल की दीवारें, ये देखना मेरा काम है। अबे ओ माके लाल, तेरी उम्र ही नहीं बल्कि तेरा तजुर्बा भी कच्चा है। शंभू, मेरी आंखों में अपनी आंखें डाल के गौर से देख, तुझे अपना तजुर्बा ही नहीं अपनी याददाश्त भी कच्ची नजर आएगी। खोल दो इसकी बेड़ियां। सदके जाऊं मां के लाल, अब ये बताओ बेटे, अकेला भागूं या सारी जेल को लेके भागूं? कसम ऊपर वाले की, अगर ये सारी जेल भी तुझे कहे कि तू भाग शंभू भाग, तो फिर भी नहीं भाग सकेगा। मां के लाल, ये तू नहीं तेरी वर्दी बोल रही है बेटे। ये वर्दी बोलती नहीं, बोलती बंद कर देती है, बंद। हाय रे लल्लू नादान जेलर, ये सैलाब किसी भी जेल में 7 दिनों से ज्यादा नहीं टिकता है। तू कहे बेटे तो 7 मिनट के अंदर निकल जाऊं। अगर ऐसा वक्त आया तो ये जेलर इस कैदी को भागने के लिए पेचदार गली और कानूनी पहरों से भरी सड़क नहीं, खुला मैदान देगा, खुला मैदान। फिर तो जेलर और कैदी का खेल सारी जेल देखेगी बेटे। मिला हाथ। एक सौ चवालीस जल्दी करो, चल जल्दी कर जल्दी, जल्दी कर जल्दी। चलो ट्रक पर जाने दो, चलो। कहता था सारी जिंदगी जेल में रखेगा, 7 घंटे भी नहीं रोक सका मां के लाल। रोक तो मैं तुझे जेल में ही सकता था, लेकिन तुझसे वादा किया था कि भागने के लिए तुझे खुला मैदान दूंगा। नजर उठाकर देख शंभू, जहां तक जमीन आसमान से मिलती है वहां तक ये मैदान खुला है। भाग जितना भाग सकता है तू भाग। इतने बड़े खुले मैदान में मरने के लिए अकेला ही आया है मां के लाल? शिकारी शिकार पर अकेला ही निकलता है शंभू। और तूने कभी शेर का शिकार नहीं किया है मां के लाल?
क्यों बगावत के बादशाह, अपने जुर्म और जुर्रत की आखिरी हद देख चुका कि अब भी कोई गलत नहीं बाकी? अरे ओ ये आखिरी का है जेलर, ये तो शंभू के पहले पहले दिन का पहली पहली जुर्रत का पहला पहला वार था। शंभू तेरी जबान में ही नहीं शरीर में भी बहुत जान है, आज तुझे वो सबक सिखाऊंगा कि तेरा दिलो दिमाग ही नहीं बल्कि बेबाक अंदाज और गुस्ताख जबान भी बदल जाएगी। बोल शंभू, फिर कभी इस जेल से भागने की कोशिश करेगा? अबे ओ मां के लाल, शेर से पूछ रहा है कि पंजा मारेगा कि नहीं। चुप है, मारो उस साले को। अबे ओ मां के लाल, जेलर बार बार क्यों आ रहा है? एक बार क्यों नहीं बोलता कि इस मुजरिम के कितने इंच चमड़ी चाहिए? बोल। चमड़ी नहीं शंभू, तेरे अंदर छुपे हुए उस मुजरिम की मौत चाहिए जो बार बार जेल से भाग जाता है। कभी मौत कभी मौत आती है मां के लाल। इस जुर्रत का अंजाम जानता है शंभू? मौत, लेकिन मेरी नहीं, जानता है किसकी? इधर आजा। तेरी, मारो, इतना मारो साले को कि इसकी आवाज ही नहीं, सांसें भी बंद हो जाए। वाह रे दुश्मन वाह, एक जख्म दे जाता है और दूसरा मरहम ले आता है। वो कानूनी फर्ज था शंभू, ये इंसानी फर्ज है। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी इंसानी हमदर्दी की, चला जा वरना तेरे कटोरे की तरह तुझे भी तोड़ के रख दूंगा। जेलर शंभू, जब तक तू अपनी ये जिद नहीं छोड़ेगा कानून तुझे ऐसे ही जख्म देता रहेगा और मैं ऐसे ही तुझे मरहम लगाता रहूंगा। ना तो शंभू की जिद तोड़ सकता है और ना ही शंभू के हाथों टूटी हुई जेल को जोड़ सकता है। याद रखना जेलर, शंभू जब भी जेल से भागेगा जेल की दीवारें भी अपने साथ ले जाएगा। लगता है शंभू का इस बार जेल से निकलना नामुमकिन है। जब से शंभू जेल से फरार होते हुए पकड़ा गया, सख्तियां इतनी बढ़ गई है कि कोई से मिल भी नहीं सकता। परेशान तो मैं भी हूँ रीना, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। लगता है तोते को मिर्ची खिलानी पड़ेगी। जैसे ही तोता मिर्ची खाएगा छोकरा जेलर शंभू को खुद ब खुद छोड़ देगा। विजय बेटे, मैंने तेरी शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या जिंदगी भर फर्ज कानून और मुजरिमों के बारे में ही सोचता रहेगा, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचेगा? माँ आज मेरा मुंह ठीक नहीं है, मुझे जल्दी से खाना दे दे, मुझे जाना है। मैं जब भी तेरी शादी की बात करती हूँ तू घर से निकल जाने की बात करता है। माँ मुझे भूख लगी है। अच्छा बाबा तू बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। माँ ये कौन है? इसी की तो मैं बात कर रही थी, मेरे गांव की रहने वाली है, बड़ी भोली भाली है बेचारी, घर का सारा काम जानती है, मुझे तो बेहद पसंद है, आगे तेरी मर्जी। मैं तो कहती हूँ इससे अच्छी लड़की कहीं और नहीं मिलेगी। वाह कमाल है माँ, तुझे कोई भी भोली भाली लड़की मिल जाए तो क्या तू उसे बहू बना लेगी? अरे तेरा बेटा जेलर है, उसका भी कोई स्टैंडर्ड है, बहू आएगी इस घर में, लेकिन पढ़ी लिखी समझदार और थोड़ी बहुत अकलमंद, जो तुझे भी समझ सके और थोड़ा बहुत मुझे भी समझ सके। अरे रही है गांव की लड़कियां, इन्हें गाय बकरी और भैंस के आगे कुछ समझ में नहीं आता। अब तू ही बता माँ, क्या तू और मैं इस भैंस के सामने बीन बजाएगी? तनिक हमार सूरत देख लो तो हर बीन बज जाए। आवाज तो वही है, लैंग्वेज में गड़बड़ है। What do you want to know about my language? You want to know about my mother tongue, my father tongue? अरे माँ ये तो अंग्रेजी भी बोलती है, ये असल गाँव की है कि इसमें भी मिलावट है? असलियत क्या है माँ, ये कौन है? असलियत तो सामने है बेटे, आवाज ही नहीं शक्ल भी वही है। ये तो माँ ये तो वही है। हाँ हाँ बेटे वही है। माँ पक्का ना ये तो वही है? हाँ हाँ बेटे पक्का।
की वही है। अरे फिर देर किस बात की, जल्दी से आशीर्वाद दे, चल नीचे ये पपीले। के लाल नंबरों में कहा रखा है भे? हाँ भैया, अभी तो हमने सिर्फ कैदी के कपड़े बदले हैं, तू कह तो जेलर साले के कपड़े बदल लूं। कपड़े बदलने से ना ही किसी मुजरिम के जुर्म कम होते हैं और ना ही सजा। अब तू यहाँ आ ही गया है तो थोड़ा काम भी कर ले है? बहुत फुदक रही है माँ के लाल, ज्यादा जोश है। के लाल तो यहां भी आ गया। मैंने तुझे कहा था ना शंभू कि अगर ये सारी जेल तुझे कहे कि भाग तू फिर भी नहीं भाग सकेगा। ले चलो इसे। शंभू खाना खा ले। अबे ओ भूतनी के, पहले तो कुत्तों के अस्पताल में काम करता था क्या साले? ऐसा खाना तो शंभू के मोहल्ले के कुत्ते भी नहीं खाएंगे। फोड़ यहाँ से फोट। शंभू थूक दे गुस्सा, दो दिन से भूखा है, खाना खा ले। चला डे यहाँ से फोट। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी खाना ठुकराने की? ये जेल है, तुम्हारा ससुराल नहीं है जहां पर तुम्हें पकवान खिलाए जाएंगे। चलो खाना खा ले। देख माँ के लाल, अपनी ताकत क्यों जाया कर रहा बे? मैंने फैसला कर लिया है, इस सजा का खाना नहीं खाऊंगा। मां जल्दी से दो आदमियों का खाना दे दे। क्यों, फिर कोई कैदी रुट गया क्या? हाँ मां, एक ऐसा कैदी जो अगर मेरी जिंदगी में नहीं आता तो तेरी जिंदगी की सारी खुशियां लुट जाती हैं। कानून का वो कैदी मेरा मसीहा है। तेरा मसीहा? माँ याद है पिताजी से दुश्मनी रखने वाले मुजरिमों ने एक बार मुझ पर हमला किया था, तब इसी कैदी ने मुझे बचाया था। माँ दो दिन से उसने अनाज का एक दाना नहीं खाया। और तूने, तूने उसे दो रोज तक भूखा रहने दिया? क्या करूं, इस बात का तुझे आज पता चला। बेटी आज उसे भूखा मत सोने देना, कहना ये खाना एक माँ ने भेजा है जो उसके एहसान की कर्जदार है। वाह रे दुश्मन वाह, छोरे जेल से निकलकर कहीं मैं तेरा गला न दबा दूं, इसलिए अपना नमक खिलाने आया है माँ के लाल। जिस तरह कोई बच्चा अपने माँ के दूध का कर्ज कभी नहीं चुका सकता, ये जेलर भी तेरे एहसानों का कर्ज कभी नहीं चुका सकेगा, और ना ही इसकी माँ। अबे खुद की दाल नहीं गली साले, तो माँ के जज्बात ले आया। चल चल फुट यहां से फट। चल इन बातों को छोड़, मैं जानता हूं तू दो दिन से भूखा है, खाना खा ले। खाने को तो मैं तुझे भी खा लू माँ के लाल, लेकिन इस वक्त तुझे यहाँ खाने का मौका नहीं है और इस खाने की भूख नहीं, चल हटा ले वरना। तू क्या समझता है मैं तुझसे हमदर्दी तेरे डर के वजह से करता हूँ? नहीं शंभो नहीं, कानून कभी मुजरिम से नहीं डरता। आज मैं तुझे अपने हमदर्दी का कारण बताता हूँ। मैं उस शंभू को जानता हूँ जिसने एक दिन मेरी जान बचाई थी। जो उनके दलदल में शायद तू सब कुछ भूल गया, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। मैं समझता था कि शायद अब भी तेरे अंदर की इंसानियत मरी नहीं होगी, लेकिन इंसान तो क्या, तू तो जानवरों से बेगायब गुजरा है।
इस रोटी के नेवाले को आज तूने ठोकर नहीं मारी है, एक माँ के ममता और प्यार को धक्का दिया तूने। तू किस्मत वाला है माँ के लाल, जो तेरी माँ तेरे पास है। अगर शंभू की माँ को जालिम जमाने ने नहीं छीना होता तो शंभू कभी जुर्म की दलदल में नहीं गिरता। मगर तूने कभी यह सोचा है जिलर कि तू कानून का वफादार क्यों है, मैं कानून का मुजरिम क्यों हूं? कभी माओ ने मुजरिम पैदा किए हैं? नहीं जिलर नहीं। माँ के लाल जा, मेरी फाइल तू गौर से पढ़ तो तुझे पता चलेगा कि शंभू भी कभी सच्चा और ईमान का दूसरा नाम हुआ करता था। मुझे तुमसे हमदर्दी है शंभू, लेकिन जिन लोगों ने तुम पर जुल्म किए हैं उनसे तो तुमने बदला ले लिया है, फिर ये सारी दुनिया से इंतकाम क्यों? मेरा गुजरा हुआ कल भूल जा जेलर, सिर्फ इतना याद रख कि आज यहां मेरा सातवां दिन है। जुर्म के जिस कारखाने में मैं काम करता हूं वो लोग मुझे छुड़ाने के लिए जेल की चार दीवारी तो क्या तेरे घर की चार दीवारी में तूफान मचा देंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा शंभू, कभी नहीं। मां, 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 ओहो मां, तेरे माथे की एक एक झुर्री में कई कई सवाल छुपे हुए हैं जेलर, और हमारा जवाब वो कैदी है जिसका तू पहरेदार है। कौन सा कैदी? शंभू। उसे तो उम्र कैद की सजा हुई है। तुम्हारी माँ को फांसी भी हो सकती है, हमारे उस कैदी पर आजादी की मोहर लगा दो जेलर। उस कैदी पर आजादी की मोहर नहीं, तेरी इन कलाइयों पर गिरफ्तारी की मोहर लगा जेलर। जेलर, हमारे पंजे भी बहुत खतरनाक है। गोली यहां एक चलेगी, लाशें दो गिरेगी, यहां तुम्हारी वहां तुम्हारी मां की। इसलिए जेलर, हमारा वो कैदी दे देना और अपनी मां ले जाना। रात को 2 बजे तक अगर हमारा कैदी हम तक वापस नहीं आया, वक्त की सुइयां तो चलती रहेंगी लेकिन तुम्हारी मां की सांसें बंद हो जाएंगी। अब पता चला जेलर कि जब माओं की जिंदगी में मौत का तूफान नजर आते हैं तो किस तरह बेटे कानून के भागी और मुजरिम बन जाते हैं। माँ के लाल, एक दिन तूने मुझे खुला मैदान दिया था भागने के लिए, और आज एक मैदान मैं तुझे देता हूं। जरा भाग के तो दिखा देते। हाँ चंगो। माँ के लाल, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि जिस तरह से बम में आग लगते ही 7 सेकंड के अंदर बारूद फट के बाहर निकल जाता है, उसी तरह से शंभू 7 दिनों के अंदर जेल की चार दीवारी से बाहर निकल जाएगा, और आज 7वां दिन है बेटे। ना शंभू, तेरी ये 7 दिनों के हिसाब की किताब बदल डालेगा ये जेलर। तेरी ये जिद तेरी मां की जिंदगी को मौत में बदल डालेगी जेलर। जेल तो आज ही टूटेगी, और वो भी तेरी मर्जी से बेटे। 12:30 बज चुके हैं और यहां से 1 घंटे का रास्ता और है। फैसला तुझे ही करना होगा, मां चाहिए या मुजरिम। मां के लाल, ठीक 2 बजे वो लोग तेरी मां को गोली मार देंगे, ठीक 2 बजे। कानून की हिफाजत मैं करूंगा और मां की हिफाजत करेगा भगवान, और अगर मेरी मां मर भी जाए तो मैं अकेला रहूंगा, लेकिन अगर तुझे छोड़ दिया तो ना जाने कितने माओं के बेटे रोएंगे। व्हाट? हां सर, शंभू जैसे मुजरिम के साथियों की जुर्रत और जुर्म की आखिरी हद मेरी मां थी, जो इस वक्त उनके कब्जे में है।
और तुम अपनी मां को बचाने के लिए शंभू को जेल से छुड़ाना चाहते हो? नहीं सर, कहीं मैं अपनी मां को बचाने के लालच में मैं अपने फर्ज और कानून से गद्दारी ना कर जाऊं, इसलिए शंभू की जेल की चाबियां ये रही। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी कुर्बानी। विजय, जब तुमने कानून को जिंदा रखने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है तो कानून भी पीछे नहीं हटेगा। कहां है तुम्हारी मां? यह तो उस जालिम कैदी ही बता सकता सर। आओ मेरे साथ। कोई फायदा नहीं सर, डेट बज चुके हैं, 2 बजे मेरी मां को गोली मार देंगे। नहीं विजय नहीं, तुम्हारी मां पर चलने वाली गोली को रोकने के लिए अपनी वर्दी और जमीर को बेचने का सौदा शंभू के साथ ये जेलर करेगा। इस घड़ी के साथ ही तेरे लाल को दी गई मोहलत की घड़ी खत्म हो गई और तेरी जिंदगी की घड़ी भी। टोनी, इतनी गोलियां बरसाओ इस बुढ़िया पर कि इसके बेटे को अपनी मां की लाश की जगह खून में भीगी हुई हमारी गोलियों की चादर मिले। शंभू, ओ शंभू, शंभू तू आ गया, मतलब शेर ने शिकार छोड़ दिया। मां की जिंदगी कानून से महंगी लगी। खाकी वर्दी मां के सफेद कफन से घबरा गई। नहीं डाबर, उस मां के लाल ने तो मुझे छोड़ा नहीं, मैं खुद ही जेल तोड़ के भाग आया। नहीं नहीं, ये मेरी बेइज्जती है, मेरे दहशत का मजाक है ये। शंभू शंभू, मेरे मस्तक में आग लग गई है, आग लग गई है। तू बता कि उस छोकरे को अपने मां के मरने का यकीन नहीं था या मेरी दहशत की वजह से उसने खुदकुशी कर ली? अरे ये मुझसे पूछ, ये सबक मैंने उसे गोद में दिया था कि फर्ज के लिए मां तो क्या, मौत की भी परवाह मत करना। गोली मार दो इसको। खबरदार, क्यों एक लाचार औरत पे गोलियां चलवा कर अपनी मर्दानगी पे नामर्दानगी का दाग लगाता है? ए, क्या बोला रे तू शंभू? यही कि अब ये सिर्फ उस माँ के लाल की माँ नहीं बल्कि मेरी भी माँ है। ओ, अपनी हर ठोकर से कानून को मुंह के बल गिराने वाला मेरा शंभू खुद मुंह के बल कैसे गिर गया? मैं क्या, इस मां के बेटे के साथ शैतान भी 2 दिन गुजार ले तो वो भी मुंह के बल गिर के इंसान बन जाए। उस बेटे को दी हुई शिक्षा इसी मां की है कि दूसरों को मारकर जीना कोई गौरव की बात नहीं, मगर खुद को मारकर किसी और के लिए जीना ही जीना है। शंभू, तुम और हम कचरे के ढेर से उठने वाली वो बदबू है जिसको जमाने की नाक कभी सह नहीं सकती, और कचरा चाहे कितना भी साफ हो जाए उससे बदबू ही उठती है। कानून को पीठ दिखाकर हमसे कंधा मिलाओ, वरना तुम्हें कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। ये मत भूल डाबर कि तेरी दहशत और ताकत शंभू की हिम्मत की मोहताज है। अगर पानी न रहा तो समुंदर कैसे रहेगा, और जब समुंदर नहीं रहेगा तो उसमें तूफान कहां से आएगा? शंभू, भूल गया वो दिन जब कानून पिस्तौल का निशाना लगाए तुझे ढूंढ रहा था, तब मैंने बचाया तुझे, मैंने, और आज उसी कानून से मुझे धमका रहा है? शंभू याद रख, यही कानून तू एक बार फिर तोड़ेगा, ये जेल दोबारा टूटेगी। आज तू अपनी मुंह बोली मां की लाश को लेकर जाएगा और एक दिन अपनी सगी बहन की लाश लेने आएगा। राम सौद। Thank you.
डाबर, अपने इन कुत्तों से कह दे वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। शंभू। हाँ हाँ शंभू, जो आज यहां से अपनी मां को हर हालत में हर कीमत पे लेके जाएगा, भले ही उसे गोलियों की बौछार से गुजरना पड़े या लाशों के ढेर पे होकर चलना पड़े। मैं मानता हूं तुमने कानून के लिए जज्बात की कुर्बानी दी है, मगर मां। बेटा, तुझे दोबारा मां कहने का हक मेरे आज इस बेटे ने दिया है। शंभू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितनी तकलीफ मुझे इस जेल में तेरी वजह से नहीं उठानी पड़ी, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मेरी वजह से तेरी मां को उन जालिमों की कैद में उठानी पड़ी। मुझे माफ कर देना मां। नहीं बेटी, नहीं, तू तो वो महान इंसान है जिसको जन्म देकर आज भगवान को भी अभिमान होगा। ओ मां, ये दो बोल बोलकर तूने शंभू को दोनों जहां का बादशाह बना दिया। जेलर, ये कैदी और सिपाही के खेल का मैदान तू जीत गया। तू जीत गया मेरे यार, तू जीत गया। एक आखिरी ख्वाहिश है, वो भी पूरी कर देगा। दोस्त, जान दे दूंगा। जान नहीं, सिर्फ जुबान दे कि आज के बाद मुझे मुजरिम कहके कभी नहीं बुलाएगा। विजय, ये क्या पागलपन है तुम्हारा? तुम उन कैदियों के साथ 15 अगस्त का जश्न मनाना चाहते हो? उन्हें मैदान में खुला छोड़ दोगे? सारी जिम्मेदारी मेरी है सर। मैं इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा विजय। हेलो शर्मा अय्यर, कमिश्नर बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। 15 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा है जी। पंकज उदास आ रहे हैं जी? जी, तो फिर मैं भी आ रहा हूँ। हाँ। जी जरूर आइए, इसीलिए तो ये जश्न रखा है मैंने सर। थैंक यू। अपनी आँख भर आई। आ, 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 आ,
दिन बदले करवट बदली एक पल में ये दुनिया बदली जुल्म सितम से चूर हुए हम कुछ ऐसे मजबूर हुए हम के विश्वास की जांच देख लिया मुजरिमों के दिलो दिमाग पर विश्वास की बेड़िया बांधने का अंजाम टूट गया ना विश्वास का ताला जिलो साहब अगर ये आज आपके विश्वास को अंधेरे में डुबाकर चला गया होता तो कल दिन के उजाले में ना हम आपको शक्ल दिखाने लायक होते और ना आप कानून को इसलिए माफ करना आपसे बगैर पूछे चला गया शंभू तुमने मुझे बहुत बड़ी हार से बचा लिया
वरना आज मैं अपने आप से हार जाता। शंभू, हार तो तेरी उस दिन होगी जब तू मुझे अकेले में मिलेगा। जेलर, याद रखना, जेल की चक्की की तरह तुम दोनों को पीस कर रख दूंगा। ले जाओ इसे। मामा, कैसे आऊंगा मैं? अपनी गुड़िया बहन के लगन में कैसे आऊंगा मामा? मगर बेटे, तुम्हारे बगैर तो गुड्डी लगन मंडप में बैठेगी नहीं, और तुम्हारे नाने की वजह पूछेगी तो क्या बताऊंगा उसे? मामा, अपनी बहन का कन्यादान इस बदकिस्मत भाई के किस्मत में नहीं है। इस जन्म में, इस शंभू के नसीब में नहीं है मामा, इस शंभू के नसीब में नहीं है। शंभू, तुम अपने नसीब को कोसो या अपनी किस्मत को, मगर गुड्डी की शादी में तो तुम्हें हर कीमत पर आना पड़ेगा, वरना बारात लौट जाएगी मेरे बेटे, बारात लौट जाएगी। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से बहुत जल्द तुम इस जेल से रिहा होने वाले हो। मैं जानता हूं तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। इसी उम्मीद के साथ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं दोस्त। मैं सारी जिंदगी जेल में रहूंगा। मुझे रिहाई नहीं चाहिए, उसके बदले मुझे एक दिन, सिर्फ एक दिन की छुट्टी दे दो। बात क्या है शंभू, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और किस बात की छुट्टी चाहिए तुम्हें? तुम्हें याद होगा दोस्त, मैंने तुमसे कहा था कि इस दुनिया में मेरी एक मासूम बहन है, शंभू सिर्फ उसी के लिए जिंदा है। कल उसकी शादी है विजय। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी बहन तो मेरी भी बहन हुई। शंभू तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसकी शादी में मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं दोस्त, तुम शायद मुझसे भी ज्यादा एक भाई का फर्ज निभा सकोगे, लेकिन वो तुम्हें पहचानती नहीं, और मेरी बहन तब तक डोली में नहीं बैठेगी जब तक उसका ये भाई उसके सामने नहीं होगा। मेरी तुमसे इल्तिजा है दोस्त, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए मुझे छुट्टी दे दो। नहीं शंभू, नहीं, मैं मजबूर हूं, ये मेरे बस की बात नहीं। ठीक है मां के लाल, उस दिन तेरी मजबूरियां कहां थी जब तेरी मां की जिंदगी दांव पे लगी हुई थी, और आज मेरी बहन की जिंदगी खुशियों का सवाल है। याद रख, मैं तेरी जेल से भाग चुका था। अगर तेरी दोस्ती का भरम और मां का ख्याल नहीं होता तो तेरा यह कानून मुंह देखता रह जाता। देख विजय, मां के लाल, मुझे एक दिन की, सिर्फ एक दिन की छुट्टी दे दे। मैं यकीन दिलाता हूं गुड्डी को डोली में बिठाने के बाद फौरन तेरे पास लौटाऊंगा, इस जेल में वापस लौटाऊंगा। ठीक है, आज तुम्हारी दोस्ती ने मुझे अपने फर्ज के साथ गद्दारी करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन याद रखना शंभू, मैं अपने करियर को दांव पर लगाकर तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा दोस्त। शंभू तेरी दोस्ती को रुसवा नहीं होने देगा, यकीन रख। मर गया साहब, जेलर साहब मर गया। क्या हुआ शंभू? जिला साहब, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा जिला साहब, मुझे जल्दी अस्पताल ले चलिए जिला साहब। सर इसे हॉस्पिटल ले जाओ। ये क्या है शंभू? हालात की इतनी मजबूरियां हैं कि हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते।
और ये कैसे हो सकता है कि बहन की शादी हो और भाई उसे कुछ ना दे? नहीं माँ के लाल, नहीं, बहन के लिए बस तुम्हारे दुआएं ही काफी है। हाँ, फिर मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो मेरी बहन के लिए ये रख लो प्लीज। इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और तुम जानते हो कि मैं इस जुर्म को 24 घंटे से ज्यादा नहीं छुपा सकता। नहीं माँ के लाल, घड़ी में 12 बजने से पहले शंभू अपनी जगह पे होगा। मामा, मामा। मामा, ये सब क्या हुआ? मामा भगवान के लिए जल्दी बताओ, गुड्डी कहाँ है? सब कुछ लुट गया बेटा, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। शंभू, ये जेल एक बार फिर टूटेगी। आज तू अपनी मुंह बोली मां की लाश को लेकर जाएगा और एक दिन अपनी सगी बहन की लाश को लेने आएगा। डाबर। साथियों, दुनिया का कमीने से कमीना भाई अपनी बहन को छुड़वाने जरूर आएगा। ये तो शंभू है, हमारा शंभू, हमारी दुनिया का वो बैशी चीता, चिड़ियाघर का पालतू चीता बनने चला था साला। हमारी दहशत का मजाक है ये, हम इन नगाड़ों की आवाज में उसे मौत की आवाज सुनवाएंगे। बजाओ। घर का पालतू चीता चिड़िया घर का पिंजरा तोड़कर हमारे पिंजरे में आ गया। अपनी बहन के लिए तो भाई कब्रें फाड़ कर आ जाते हैं, मैं तो फिर भी जिंदा हूँ। डाबर, बोल मेरी बहन कहाँ है? घायल पंछी की तरफ फड़फड़ा रही है हमारी कैद में, देखना चाहता है अपनी बहन को। टॉनी, बड़े से बड़ा शूरवीर, पहलवान, बलवान माँ और बहन की आंसुओं में डूबकर कमजोर हो जाता है शंभू। और अपनी इस बहन की आंखों में देख कैसी गंगा जमुना बह रही है। तेरा कलेजा तो अंदर से गांठे की तरह टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। सादे कमीने। देख शंभू, मैंने तुझे आज तक दुनिया का हर डाल पे सिखाया क्या? नहीं, मतलब तू मेरा चेला बन गया और मैं तेरा गुरु बन गया है? लेकिन तूने गुरु को आज तक गुरु दक्षिणा ही नहीं दी। क्या मांगना चाहता है हरामजादे? बोल। जुर्म का बस एक आखिरी टीका लगाना चाहता हूँ तेरे मस्तक पर। हाँ, 3 करोड़ की चोरी करनी होगी तुझे। वो रुपया लूट कर ले आ और अपने बहन को ले जा, मेरा तेरा हिसाब खत्म। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। तेरे को करना पड़ेगा। नहीं, मैं फिर से उस गंदे नाले में नहीं कूदूंगा, जो उनको उस धारा में नहीं बहूंगा। तो तेरी बहन का खून बह जाएगा। भैया। हरामजादे, तू मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहा है? क्योंकि मेरा कलर ब्लैक है, कलेजा ब्लैक है और उसके अंदर का खून भी ब्लैक है, इसलिए मैं तुझे ब्लैकमेल कर रहा हूँ। ठहरो, छोड़ दो मेरी बहन को, मैं तैयार हूँ। शाबाश टॉनी। वाह 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 वाह, हमारे जिस शंभू को जेलर ने मार डाला था वो शंभू अब जिंदा हो गया है। वाह, छोड़ दो छोड़ दो। शंभू उधर देख,
ये जहरीली नागिन तेरे साथ रहेगी, यही तुझे डकैती का पूरा प्लान समझाएगी, रास्ता ये बताएगी, चलेगा तू। क्या बात है विजय? मेरे इन हाथों को हथकड़ी पहना दीजिए सर। ये अच्छा मजाक है? मजाक नहीं, मेरे किए हुए जुर्म की सजा है ये। जुर्म और तुम? विजय, एक बार सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलने की गलती कर सकता है, मगर तुम कभी जुर्म नहीं कर सकते। ये हाथ हथकड़ियों के लिए नहीं, चूमने के लिए बने। नहीं जेलर साहब, जिस कानून के खातिर मैंने अपनी माँ की जिंदगी की परवाह नहीं की, उस कानून को एक मुंह बोली बहन के खातिर मैंने तोड़ दिया। शंभू को उसकी बहन की शादी में जाने के लिए एक दिन की छुट्टी देने का जुर्म कर बैठा, और आज दो दिन हो गए शंभू वापस नहीं आया। अब ये हाथ कानून के नहीं, हथकड़ी के बोझ के लायक रह गए। मुझे गिरफ्तार कर लो जेलर साहब। विजय, तुमने विश्वास और जज्बात में आकर जो किया बहुत बुरा किया, क्योंकि कानून एक ऐसा हथियार है जो सब अच्छाइयों को भूल जाता है, मगर एक गलती हो जाए तो गर्दन काट देता है। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। नहीं विजय, नहीं, इंसानियत का धर्म निभाने वाले को ये जेलर सजा की भट्टी में कैसे झोंक सकता है। I'll do one thing। मैं शंभू के जेल से भाग जाने की खबर को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक छुपा कर रख सकता हूं। इन 3 दिनों के अंदर अंदर तुम अपने मुजरिम को ढूंढ कर यहां पर ले आओ, इस तरह तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी और कानून की आन भी। नाउ, आज है 14 तारीख, मुजरिम काफी दूर निकल चुका होगा और तुम्हारे पास बचे हैं सिर्फ 2 दिन, 15 और 16।
विश्वास के सीने में खंजर घोपने वाले गद्दार, आज मेरे सामने मत आना, मैं अपनी इज्जत के कातिल तक पहुंचने के लिए हर दीवार गिरा दूंगा। कानून की ये दीवार कभी नहीं गिर सकती शंभू। तेरी बहन के खातिर मैंने कुछ देर के लिए इसमें दरार डाल दी थी, मगर अब तेरी आजादी की घड़ी खत्म हो गई। कितना खुदगर्ज और मतलबी इंसान है तू। तेरी माँ को बचाने के लिए जेल तोड़ूं तो नेकी है, और अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए दो कदम आगे चलूं तो जुर्म है। देख माँ के लाल, देख, तेरे दिए हुए नोट अब भी मेरी जेब में मौजूद हैं। इंसानियत का बदला ही उतार दे माँ के लाल। तेरी माँ को बचाने के लिए मैंने जेल तोड़ी थी, मेरी बहन की इज्जत बचाने के लिए तू चंद घंटों के लिए कानून नहीं तोड़ सकता? आखिर वो तेरी भी तो मुंह बोली बहन लगती है। शंभू, मेरी नजरों में तेरा विश्वास मर चुका है। लेकिन शंभू अभी जिंदा है माँ के लाल। रुक जा। तेरा काम मैंने कर दिया डाबर, मेरी बहन मेरे हवाले कर दे। शंभू, लगता है उस जेलर ने तेरी खोपड़ी पे कानून की किताब घिस घिस कर तेरी अकल, तेरी याददाश्त सबका सत्यानाश कर दिया है। तू ये भी भूल गया कि हम लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कभी बोलते नहीं। रुक जाओ शंभू, मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है। यू आर अंडर अरेस्ट। आओ जेलर, आओ आओ आओ। देखो जेलर, इसने मेरी बहन, बस सब बहुत हो गया। अपनी बहन के नाम से मेरे दिल और जज्बात से बहुत खेला तूने शंभू। मैंने तो तुझे हीरा समझा था, लेकिन तू तो कचरे का ढेर निकला। हाँ जेलर, बिल्कुल कचरा है कचरा। मैंने बोला था इसको, कचरे को कितना भी साफ करो उसमें से बदबू ही आएगी। अब ले जाओ इसको, हमारे किसी काम का नहीं रहा। जा जा। बास्टर्ड, अगर मेरी बहन, बकवास मत करो। मेरी बहन, बे बहन वाले, झूठ बोलता है ये जेलर साहब, कोठे वाली है, कोठे वाली। चुप। अब तो कानून के कब्जे में, ऐसे चूहे चूचू नहीं करते, समझे ना? अच्छा हुआ साला मैं जेलर के साथ नहीं था, नहीं तो मैं भी अच्छा आदमी बन जाता था साला। जेलर मेरी बहन। बहन तो मेरी भी है, दुश्मन से मुकाबला तुझे भी करना है और मुझे भी। उठा ले हथियार और हो जाए फैसला। Thank you.
बख्शी, मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। अरे वाह रमैया वाह, क्या टाइम पे एंट्री मारा साला, दोनों हीरो मार खा गए। डाबर साहब, मुझे हिसाब चुकाना है उस कैदी से और आपको इस जेलर से। क्यों ना पार्टी बांट ले। अरे वाह फंटास्टिक आइडिया, तूने तो मेरे खोपड़ी का ढक्कन ही। ए छोकरी, गोली इधर नहीं उधर मार उधर। हाँ ये अपनी पार्टी का आदमी है। मगर अब मैं तेरी पार्टी में नहीं हूँ। साला तू भी पैंतरा मार रही है क्या? पैंतरा नहीं, आज मैं तुझे भी मार डालूंगी। मतलब तू भी नमक हराम निकली? साला लगता है मेरे नमक में ही कुछ गड़बड़ है, सब नमक हराम निकले। देखता हूँ देखता हूँ, बाद में देखता हूँ तेरे को। लीजिए सर। और इन्हीं हाथों से जेल के दरवाजे पर यह लिख दीजिए कि कानून का मुजरिम दुनिया के किसी भी कोने में जाके छुप जाए, कानून उसे ढूंढ निकालता है। और यह तभी हो सकता है जब कानून का हर मुहाफिज तुम्हारे जैसा हो। माँ के लाल समझे? माँ के लाल